आप भी बनाइए इतना टेस्टी ग्रेवी वाली सब्जी, आलू और घीरा और बरी का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर ये तैयार होगा। जब आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाइएगा, यकीन मानिए सब तारीफ करते थकेंगे नहीं जब आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ज़्यादा आपको पसंद आएगा। हमारे यहाँ इसे घीरा या तो फिर हमारे यहाँ इसे घीरा बोला जाता है, आप लोग इसे नेनुआ भी बोला जाता है, त्वारी भी, और आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। तो इधर मैंने घीरा लिया है, बरी, दो बड़ा साइज का टमाटर, दो प्याज, चार आलू और एक लहसुन। तो सभी चीज़ हमारे इधर रेडी है, चलिए फटाफट से इसको छील लेते हैं। तो इधर मैंने छील के काट के कढ़ाई में चढ़ा दी है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाली है। फिर इसको मैंने काट के धो के छील के कढ़ाई में डाल दी है। इसको हम ढक देंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको ढकने के बाद जब तक कि हमारे घीरा से पानी ना छोड़ दे, ये उबलने ना लगे, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो नीचे से हमारा पक गया अच्छे से, तो हम इसको चला लेंगे ताकि सभी हमारा घीरा अच्छे से पक जाए सभी ठो। तो इसको और ढक देंगे हम और सभी को पकने देते हैं। तो देख सकते हैं सभी हमारा घीरा अच्छे से पक गया है और कितना सारा पानी छोड़ दिया इसने। तो इसको हम छन्नी से इस तरीके से छान लेंगे ताकि इसका पानी अलग हो जाए। तो इसको हम छान कर एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे। तो सारे मैंने छान कर निकाल लिया, इधर हमारा पानी बचा हुआ है घीरा का, तो हम इसको अलग बर्तन में निकाल कर रख देंगे। इसको हम ग्रेवी में यूज करेंगे। तो इसको मैंने एक बर्तन निकाल कर ढक दिया है, तब तक इधर हमें ये हमारा काली दाल का बरी है, तो तब तक मैं इधर बरी को भून लेती हूँ। इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाली है सरसों का 2 चम्मच करीब। इस कढ़ाई को चारों तरफ फैला देंगे ताकि हमारा बरी जले ना, इसीलिए हमने तेल को चारों तरफ फैला दिया। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँ बरी। बरी को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा बरी का कलर रेड कलर का ना हो जाए, तब तक हम इसको भून लेंगे ठीक है, जब तक ये चारों तरफ से पकना चाहिए। तो इधर हमारा बरी अच्छे से भून रहे, देख सकते हैं। इसको फिर से एक प्लेट में निकाल देंगे बरी को। इधर मैं सारे बरी को इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। तो देखिए इधर हमारा बरी निकल गया है, थोड़ा सा तेल बच गया है, तो मैं तेल और थोड़ा सा डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। मैंने जो आलू छील के काट के उसको भी मैंने तरीके से रखी है। इसका मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा तो लहसुन किया है, इसको मैंने मीडियम में रखा। तो आलू को भी मैं भून लूँगी इसको भी, जब तक इसका कलर रेड ना हो। तो इधर हमारा आलू भी अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। तो चलिए सारा आलू को निकाल लेती हूँ। आलू निकालने के बाद थोड़ा सा तेल और बच गया है, तो मैं यहाँ पर डाली हूँ करीब 5 चम्मच करीब सरसों का तेल। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, सरसों, कलौंजी, मेथी दाना और 3 हरी मिर्ची और 1 तेज़पत्ता जिसको मैंने तोड़ लिया है। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक सभी चीज़ हमारा अच्छे से नहीं चटकते हैं तब तक। तो चटकते हैं उसके बाद ये हमारा 2 टमाटर है जिसको मैंने डाल काट लिया, फिर छोटे चला दी थी। तो पहले मैं टमाटर को 1 मिनट तक भून लूँगी ताकि टमाटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए। तो टमाटर को मैं 1 मिनट तक भून लूँगी। तो टमाटर को मैंने 1 मिनट तक भून लिया, काफ़ी सॉफ्ट हो गए। उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। नमक मैं थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि मैं ग्रेवी में डाली, ग्रेवी के लिए भी डाली हूँ। इसे मैंने डाली है खड़े मसाले हमारे और 2 बड़ा चम्मच का प्याज जो मैं ली थी। इसमें था धनिया, जीरा, सरसों, काली मिर्ची और सूखी मिर्ची और खड़े मसाले, बड़ा इलायची, छोटे इलायची और लौंग और दालचीनी का टुकड़ा जो मैंने सभी को पीस ली थी। इसमें तो मसाला को भी हम अच्छे से भून लिए हैं करीब 1 मिनट। तो देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भून गए, तो मैं इसमें डालूँ थोड़ा सा पानी इस तरीके से, ताकि हमारा मसाला जले नहीं।
उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। दही के क्योंकि उसको फूलने में समय लगता है, इसलिए दही को मैं पहले डालूँगी ताकि दही हमारा अच्छे समय में आलू और इसके साथ पक जाएगा एक उसके साथ, इसलिए मैं इसको पहले डालूँगी दही को। जब से हमारे दही में उबाल आना स्टार्ट हो गया तो मैं इसको 2 मिनट तक इसको पका लूँगी। इसलिए भी थोड़ा नमक वगैरह हमारे अंदर जा सके दही को। तो 2 मिनट हो गया, उसके बाद हमारा भुना हुआ आलू मैं इसमें डाल दी हूँ और जीरा ये भी मैं साथ ही डाल दी। मसाला साथ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे करके ताकि सभी चीज़ में मसाला वगैरह हमारा जा सके। तो चलिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरीके से चला लेंगे लगातार चलाने के बाद इसको हम ढककर करीब 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि सभी चीज़ हमारे अच्छे से मसाला में लिपट सके, अच्छे से अंदर तक जा सके। तो 5 मिनट तक इसको हम ढक के पकाएंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे नहीं तो फिर नीचे से हमारा चल जाएगा। और आलू तो हमारा पहले से पका हुआ है, अच्छे से पक गया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हमारा जो जीरा वाला पानी था वो मैं डाल दूँगी ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा, आपको जितना पसंद हो पतला या गाढ़ा तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो देख सकते हैं जब हमारा जीरा का पानी मैंने सारे डाल दी हूँ और इसको आप मैं ढककर और 5 मिनट तक पकाऊँगी ताकि सभी चीज़ के अंदर हमारा मसाला अंदर जा सके। तो दो से पाँच मिनट तक आप पका लीजिए, 2 मिनट या 5 मिनट। तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट तक पकाई हूँ, देख सकते हैं हमारी सभी चीज़ अच्छे से बनकर तैयार है। मैं बारी और आलू को दिखा दूँगी क्योंकि जीरा तो हमारा पहले से ही पका हुआ, इधर आलू और बारी को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आलू हमारा कितना अच्छा पक गया है और बारी भी छूते ही टूट गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी गर्म है इसीलिए, ताकि थोड़ा बहुत जो भी कच्चा रहेगा बारी वो ढक देंगे तो वो पक जाए अच्छे से। तो बड़ी हमारा लगभग अच्छे से पक ही गया है, इसमें अगर आपको कोई भी मसाला वगैरह डालना हो तब डाल सकते हैं, 2 मिनट तक इसको भी पका सकते हैं। हमारे मैंने आप कुछ भी नहीं डालूंगी तो सभी हमारा डल गया है और इधर हमारा ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी चावल पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, अच्छा लगेगा। कैसा लगा ज़रूर बताइए। फिर मिलते अगले वीडियो।